नमस्कार, मैं हूं कनुप्रिया और आप देख रहे हैं एमपी न्यूज एक्सप्रेस की खास खबर। आपकी पसंद चाहे सिंघम हो या चुलबुल पांडे, इन दिनों हर शहर में एक सिंघम या एक पांडे जी तो नजर आ ही रहे हैं। जी हाँ, मैं बात कर रही हूँ मध्य प्रदेश की, जहाँ क्राइम ग्राफ बढ़ता ही जा रहा है और इस बढ़ते क्राइम रेट पर अंकुश लगाने के लिए मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने एक गुंडा विरोधी अभियान चलाया है। इस अभियान के तहत पुलिस अपने थाना क्षेत्र के हर छोटे बड़े गुंडे को पकड़कर उन्हें न सिर्फ जेल में बंद कर रही है बल्कि उनका जुलूस भी निकाल रही है। पुलिस का यह फिल्मी अंदाज लोगों को बहुत रास आ रहा है। शिवराज सरकार का यह गुंडा अभियान है तो काबिले तारीफ। इस तरह गुंडों को शर्मिंदा कर नियमानुसार उन पर धारा 151 के तहत कार्यवाही करके जनता के मन से उनका खौफ भी हटाया जा सकता है। मध्य प्रदेश के हर छोटे बड़े शहर भोपाल, इंदौर, ग्वालियर, उज्जैन सहित सभी जगह की पुलिस अब एक्शन में आ चुकी है। और आती भी क्यों नहीं, आखिर प्रदेश से क्राइम जो कम करना है। जगह जगह अपने अलग अलग और हीरो स्टाइल में पुलिस ने कार्यवाही की। कहीं गुंडों से कान पकड़वाए तो कहीं दिलफेक आशिकों को लड़कियों से ही पिटवा डाला। प्रदेश की पुलिस ने एक्शन में आते ही कई जगह कार्यवाही की और यह साबित कर दिया कि हम किसी से कम नहीं हैं। इस पूरे मामले को ध्यान से देखने पर लगता है कि पुलिस आसानी से इन गुंडों को पकड़ सकती थी। तो आखिर अब तक प्रशासन मौन क्यों था? पुलिस मुख्यालय को सीएम से जैसे ही आदेश मिला तो हर छोटे बड़े नगर की पुलिस तुरंत हरकत में आ गई और गुंडे बदमाश को घर घर घुसकर दबोचने लगी। शिवराज सरकार की पहल है तो बहुत अच्छी, मगर चुनावी वर्ष में उठाए गए इस कदम के पीछे क्या मात्र राजनीतिक स्वार्थ है या वाकई शिवराज मध्य प्रदेश को अपराध मुक्त करना चाहते हैं? मध्य प्रदेश के हर छोटे बड़े शहर भोपाल, इंदौर, ग्वालियर, उज्जैन सहित सभी जगह की पुलिस अब एक्शन में आ चुकी है। और आती भी क्यों नहीं, आखिर प्रदेश से क्राइम जो कम करना है। जगह जगह अपने अलग अलग और हीरो स्टाइल में पुलिस ने कार्यवाही की। कहीं गुंडों से कान पकड़वाए तो कहीं दिलफेक आशिकों को लड़कियों से ही पिटवा डाला। प्रदेश की पुलिस ने एक्शन में आते ही कई जगह कार्यवाही की और यह साबित कर दिया कि हम किसी से कम नहीं हैं। इस पूरे मामले को ध्यान से देखने पर लगता है कि पुलिस आसानी से इन गुंडों को पकड़ सकती थी। तो आखिर अब तक प्रशासन मौन क्यों था? पुलिस मुख्यालय को सीएम से जैसे ही आदेश मिला तो हर छोटे बड़े नगर की पुलिस तुरंत हरकत में आ गई और गुंडे बदमाश को घर घर घुसकर दबोचने लगी। शिवराज सरकार की पहल है तो बहुत अच्छी, मगर चुनावी वर्ष में उठाए गए इस कदम के पीछे क्या मात्र राजनीतिक स्वार्थ है या वाकई शिवराज मध्य प्रदेश को अपराध मुक्त करना चाहते हैं? अक्सर मामलों को टालने वाला पुलिस प्रशासन अपने साहब के इशारे पाते ही चौकन्ना हो गया, गुंडे बदमाशों को पकड़ने लगा, मगर ये सब क्या मात्र दिखावा है? क्योंकि अब भी कई जगह खुले में गुंडे बदमाश सट्टा खेल रहे हैं, जुआ खेल रहे हैं। नामचीन लोगों से संरक्षण प्राप्त बड़े बड़े गुंडे क्या कभी जेल जा पाएंगे? इनके विरुद्ध तो पुलिस कोई प्रकरण दर्ज करने से भी हिचकिचाती है। मध्य प्रदेश में बीजेपी विरोधी स्वर जरा तेज हो गए हैं। हर जगह बीजेपी और शिवराज सरकार के विरोध में आंदोलन चल रहे हैं। ऐसे में मध्य प्रदेश की जनता शिवराज सरकार की इस मुहिम से थोड़ी खुश तो नजर आई है, मगर देखना यह है कि यह अभियान, यह जेल भरो अभियान आखिर कब तक चलता है। अभी के लिए बस इतना ही। प्रदेश की और अपडेट्स के लिए बने रहिए एमपी न्यूज एक्सप्रेस के साथ। Da bang 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 da b